नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट कई बार आ चुका है कि मैम हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, हमें 2 दिन से पोटी नहीं आई है, हम क्या करें। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ होना बहुत ही नॉर्मल है, और इसके पीछे क्या कारण है, आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और एक सवाल और आता है कि मैम क्या प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स होने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर नहीं, तो आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। तो सबसे पहले कारण जान लेते हैं। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा बनता है, जिस वजह से कि आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता जाता है तो उस वजह से भी आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है ना, वह है आपका खानपान। अगर आपका खानपान ठीक नहीं है, आपके खानपान में फाइबर की कमी है, तो इस वजह से भी आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद तीसरा कारण है पानी कम पीना। अगर आप तरल पदार्थ कम लेते हैं, पानी कम पीते हैं, तो इस वजह से भी आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता है और आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों, कुछ सप्लीमेंट होते हैं जैसे कि आयरन की गोलियां। अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हो ना, आयरन के सप्लीमेंट ले रहे हो, तो इस वजह से भी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक कारण होता है तनाव। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ज़्यादा ही तनाव लेते हो तो इससे आपके शरीर में सारे फंक्शन ही ख़राब हो जाते हैं, आपका शरीर ठीक से काम ही नहीं करता है, और आपका पाचन तंत्र भी ठीक से काम नहीं करता, और इस वजह से आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो तनाव तो आपका और आपके बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। तो एक ये भी कारण है। इसके अलावा एक कारण होता है कम एक्टिविटी, कम शारीरिक श्रम करना। अगर आप ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करते हो, अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हो, थोड़ा बहुत भी काम करना नहीं चाहते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, टहलते भी नहीं हो, तो इस वजह से भी आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर आप टहलते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हो, तो इससे आपका शरीर भी एक्टिव रहता है और वो भी काम करता है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर आँत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में भी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे कारण हो गए हैं प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ होने के। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कब्ज़ से कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहला ये ध्यान रखिए कि जितना हो सके लिक्विड लीजिए, 8 गिलास पानी डेली पीजिए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, इससे आपका पेट अच्छा रहेगा, और हो सके तो नींबू पानी पीजिए। वैसे तो आप नींबू पानी कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह में लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस में, उल्टी में, जी घबराना, जी मिचलाना, इससे भी राहत मिलता है और आपके बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। तो आपको करना है क्या है कि सुबह उठना है और आपको 1 गिलास पानी लेना है। आप गुनगुना भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हो। अगर आपको खट्टी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है तो आप आधा नींबू डाल सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो मत लीजिए, एलर्जी नहीं है तो आधा नींबू ले सकते हो, और आप उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए और उसको पी लीजिए। इससे आपका पेट अच्छा रहता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर होती है, और भी बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप फाइबर वाली चीज़ें खाइए। फाइबर वाली चीज़ें क्या क्या होती हैं, सबसे पहले बात करते हैं फल के बारे में। जैसे कि आप सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हो, इनमें आपको फाइबर मिल जाता है। इसके अलावा और भी फल होते हैं, तो दिन में कम से कम 3 प्रकार के फल खाइए, नहीं तो 1 फल तो ज़रूर खाओ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों में आप क्या खा सकते हैं, सलाद खाइए, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, आप मूली खा सकते हैं, आप खीरा खा सकते हो, आप शकरकंद खा सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, तो इससे आपको फाइबर मिल जाएगा। इसके अलावा आप बीन्स खा सकते हो, मटर ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, और इसके अलावा दाल, अगर आप पतली दाल बना के पीते हो ना, इससे भी आपको फाइबर मिल जाता है और आपका पेट अच्छा रहता है। इसके अलावा आप दही ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है छाछ। तो आप खाना खाने के दौरान, मतलब कि दोपहर में खाना खाने के दौरान, या फिर आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद 1 गिलास छाछ पी लो, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप डेली 5 बादाम खाओ, तो आपको करना क्या है कि रात में 5 बादाम पानी में रख देना है और सुबह उठ के छिलका उतार के खा लेना है। आप क्या कर सकते हैं कि बादाम के साथ ही आप किशमिश या फिर मुनक्खा को भी रख सकते हैं, इससे भी आपका पेट अच्छा रहता है। और मैं भी प्रेगनेंसी के दौरान बादाम और मुनक्खा डेली खाती थी भीगे हुए। और आपको क्या करना है कि जिस पानी में आप मुनक्खा और बादाम को रखते हो ना, उस पानी को ढक दो और सुबह आप उस पानी को भी पी लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप चाहें तो आप अंजीर ले सकते हैं, अंजीर भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और डॉक्टर ने मुझे भी
अंजीर लेने के लिए कहा था। तो आपको क्या करना है कि रात में पानी में अंजीर को रख देना है और सुबह उठ के उस अंजीर को खा लेना है। इससे भी आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। इसके अलावा मूंगफली बहुत अच्छा होता है, तो आप मूंगफली ले सकते हैं। आप सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसे ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। और आप अखरोट भी ले सकते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप खाइए। तो इसी तरीके से आप अपनी डाइट बनाइए जिसमें कि फाइबर ज़्यादा हो, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा हो, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसके अलावा आपको अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। क्या करना होगा? आपको रात में सोने से पहले गुनगुना दूध पी के सोना होगा। इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है और आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो रात में सोने से पहले गर्म दूध पीना, मतलब कि गुनगुना दूध पीना बिल्कुल ना भूलें, और इससे आपको दूध के भी फायदे मिलेंगे और आपका पेट भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि एक साथ ही बैठ के कुछ ज़्यादा ही खाना खाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक बार में थोड़ा थोड़ा खाना ही खाना है। एक साथ ज़्यादा खाएंगे तो पचाने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए और थोड़ी थोड़ी देर पे खाती रहिए। यानी कि थोड़ा गैप रख के खाओ, मतलब कि पहले वाला खाना पचने दो, उसके बाद दूसरा खाओ। और कोशिश करो कि एक बार में आप ज़्यादा ना खाओ, इससे भी आपका पेट अच्छा रहेगा और आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, आप टहलें और घर के छोटे मोटे काम करते रहें, यानी कि आप एक्टिव रहें। अगर आप एक्टिव रहते हो तो इससे आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। इसके अलावा मान लीजिए कि ये सब करने के बाद भी आपका कब्ज ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा मत करो कि आप अपने कब्ज को ऐसे ही रहने दो और फिर आप परेशान रहो। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर आपका कब्ज रहेगा ना, तो क्या होगा कि आपको ठीक से भूख नहीं लगेगी, आपको उल्टी उल्टी सा करने का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट फूला हुआ है, आपके पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको ज़्यादा ही कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी ना, तो क्या होगा कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कब्ज है तो रहने दो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको मेडिसिन लेके आना है। डॉक्टर नॉर्मली आपको 2-4-5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए मेडिसिन देंगे, मतलब कि पीने के लिए लिक्विड देंगे, और उसको अगर आप पीते हो तो इससे आपका पेट साफ रहता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। मैं भी लेती थी क्योंकि मुझे भी कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो आप ले सकते हैं और ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ही पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो फिर आपको डिलीवरी में दिक्कत आएगी। क्योंकि मान लीजिए कि ज़्यादा पाइल्स हो रहा है तो क्या होगा, आपको ब्लड आएगा, आपको पेन होगा, तो आप ऐसे में डिलीवरी कैसे करोगे? आपको इतना ज़्यादा दर्द रहेगा, आप खुद ही मना कर दोगे कि मेरे बस की बात नहीं है। कब्ज ज़्यादा है तो उसको भी ठीक रखें, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है तो उसका भी मेडिसिन आता है, उसको लीजिए, उसको जहाँ पाइल्स है वहाँ पे लगाइए, गुनगुने पानी में बैठिए, तो आपका पाइल्स भी कंट्रोल में रहेगा, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर।